रोज की तरह आज भी मैं सुबह उठा। हाँ मतलब ऑब्वियसली अगर मैं सुबह उठता नहीं तो आप ये व्लॉग थोड़ी देख रहे होते। खैर वो सब बात की बात है। सवेरे उठते ही मैंने सोचा कि इतने टाइम से मैं व्लॉग नहीं डाल रहा था तो क्यों ना व्लॉगिंग लाइफ को कंटिन्यू करा जाए। मतलब जितना हो सके, मैं प्रॉमिस या वादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा हैंडसम दिखाया जाए। क्या आप लोग मुझे ऐसी इम्पॉसिबल वाली नजरों से क्यों देख रहे हो? ट्राई करने में क्या आता है? और वैसे भी अगर मैं आप लोगों के सामने ऋतिक का फैट वर्जन प्रेजेंट करता हूं तो उसमें क्या ही दिक्कत है? दिक्कत यह है कि इस वर्जन को गोविंदा बोलते हैं। आज मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम था मकबैंग शूट करना, बट मेरे लैपटॉप का ऑडियो ड्राइवर बोले तो मेरे लैपटॉप का आधा जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका था। तब मैंने डिसाइड करा चलते हैं नारायणी इंटरनेशनल और बेरंग जिंदगी को रंगीन बना, मतलब अपने लैपटॉप को ठीक करा जाए। उत्तम दोस्त, हम कमिट कर रहे हैं कि अब से जो व्लॉगिंग है वो कंटिन्यू आएगा, रेगुलर आएगा। तेरे को क्या लगता है? होप सो। होप है ना मेरे से, इसलिए तुम होप सो बोला। अभी हम लोग जा रहे हैं नारायणी इंटरनेशनल और ये वाला जो है HP का कीबोर्ड, ये दूसरी बार ख़राब हुआ है और HP इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड में से एक है, इसलिए HP का जो कलर है वही कलर का मैंने आज शर्ट पहन रखा है। तो चलो देखते हैं दूसरी बार वारंटी क्लेम कैसे होता है। विदाउट बिल बोल रहा था ना, छोटा नहीं थे। प्लीज। तो मैं निकल गया नारायणी इंटरनेशनल की तरफ अपने SSD और RAM दोनों को अपग्रेड करवाने। तो देखो बात कुछ ऐसा है कि अपने जो मेरा लैपटॉप है उसमें ओरिजिनल OS डाला हुआ है और अगर मैं अभी फिर से उसमें SSD लगवाऊंगा फिर से OS इंस्टॉल करना पड़ेगा। जिनसे मेरी बात हुई है जो SSD चेंज करने वाले हैं वो बोले कि एज इट इज जो कॉपी है वो दूसरे SSD में ट्रांसफर कर देंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज प्रोडक्ट की परचेज करना पड़ेगा और फिर से खर्चा बढ़ने वाला है। ऑल थैंक्स टू मी, क्योंकि अगर हम अनइंस्टॉल नहीं करते तो आज व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं होता। हाँ मतलब ठीक है। एक मिनट, आप लोगों को क्या लगा मेरा शक्ल देखकर? मतलब एक दिन मैं सुबह उठूंगा और सोचूंगा चलो यार लैपटॉप का ऑडियो ड्राइवर खत्म हो गया है, अपना SSD और RAM बढ़वा लेते हैं। भाई ये सब अमीरों का चोचला होता है। मैं आपको सिर्फ दो रीजन दूंगा, पहला मेरा मन, दूसरा डॉलर्स के रेट भी तो बढ़ रहे हैं। पर देखो यार वो मेन रीजन ये है कि मुझे अपने पे भरोसा है कि जो मैं ये 12,000 से 15,000 अपने लैपटॉप पे लगा रहा हूँ ये मैं निकाल सकता हूँ। मतलब ROI है यार, आपके भाई के पास ROI है तो कृपया ये स्टंट परफॉर्म ना करें, ये सुपरविजन के अंडर आता है। अपना मेन गोल है अपने लैपटॉप को फास्ट करके अपने टाइम का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन करना। अपने लैपटॉप में ऑडियो आ नहीं रहा था जिसके वजह से मूवीज, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसी प्रोडक्टिव चीजें नहीं कर पा रहा था। बात और मन दोनों SSD अपग्रेड कराने का ही था, बट आखिरी वक्त में RAM की मासूमियत सामने आ गई और आज अगर मैं अपने लैपटॉप को देखूं तो RAM मेरा 8GB से 24GB है और SSD मेरा 128GB से 500GB में आ चुका है। क्या दिल भराएगा? 500 का पैसा कम ही हो रहा दोस्त। हाँ दोस्त छोड़, 300 का भराता हूँ। मैं उनको प्रॉब्लम्स बताने ही जा रहा था कि लैपटॉप में धूल जमा दिख गया तो साफ करना मेरा फर्ज है। मैंने उनको समझाया मेरा ऑडियो ड्राइवर काम नहीं कर रहा है। मुझे लगा उनको अभी बहुत टाइम लगने वाला है, वो देखेंगे ट्राई करेंगे, पर इधर तो उल्टा ही हो गया। उन्होंने एक क्लिक करा और ऑडियो प्रॉब्लम गॉट सॉल्व। ये क्या कोई जादू था? तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही थी SSD और RAM को लगाने का, मानो दिवाली और दुर्गा पूजा की तैयारी दोनों साथ में होने वाली है। चलो यार अपना जो लैपटॉप है वो मस्त बन रहा है, उसमें जैसा था वैसा सारा कुछ मतलब क्या ट्रांसफर हो जाएगा नया SSD में। और जो अपना कीबोर्ड माउस का प्रॉब्लम था ये नारायणी इंटरनेशनल से अपना जो अच्छा खासा दोस्ती हो गया था उसके वजह से ये लोग यहीं से ट्रांसफर कर दे डायरेक्ट सर्विस सेंटर और अपने को व्हाट्सएप में मैसेज आएगा, वो यहाँ से आके ले लेना है बस। अच्छा यहाँ डिज्नीलैंड लगा था? और कहाँ लगता है डिज्नीलैंड? अरे तो व्लॉग के लिए बोलना पड़ता कॉन्टेंट के लिए। हाँ सिंगापुर में। दाल चावल के लिए पूछ रहा है। पूछता कि भैया दाल चावल कहाँ मिलेगा? सही है, मौसम बहुत गजब है दोस्त। ऐसा क्या? हाँ मतलब पता नहीं कैमरे में तो बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत भी बोलते मुकबैंगर करते रहता है, तो बोलते है वो मकबैंग होता है कि मुकबैंग होता है? मेरा मुकबैंग नहीं होता, मकबैंग होता है। अरे देख मकबैंग, कोई मकबैंग बोलता है, कोई मुकबैंग बोलता है, और दोनों ही सही है। अगर दोनों में नहीं जमता तो ASMR बोलते, बस खत्म। सारा कुछ काम खत्म हो चुका था, अब हमें लग चुकी थी भूख। पहले हमने डिसाइड करा था हम दाल चावल खा लेते हैं, फिर डिसाइड हुआ बिरयानी, फिर साउथ इंडियन, उसके बाद पिज्जा मिलता और बहुत चीजी है। वही देखा जा रहा है एक जन का रील्स कि किसके रील्स देख रहा, जमशेदपुर वाला करके कोई है। चल भाई खाते हैं भाई। अरे यार गजब, बोलते हैं ना दाने दाने पे लिखा होता खाने वाले का नाम। पिज्जा में दाना होता ही नहीं है, तो बेस तो आटा से बनता है, मैदा तो मैदा में तो दाना होता है। कॉन्सेप्ट लगा रहा है यहाँ पे, इसको पता नहीं है कि सौरभ दास ब्लॉग्स में कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया जाता, सिर्फ क्यों बॉलीवुड है क्या? काश होता यार, पैसा तो होता। पिज्जा कैंपस, पिज्जा कैंपस, पिज्जा होगा अभी टाइम लगेगा, अभी खोले क्या? ठीक है होगा ना पिज्जा? हाँ हाँ होगा होगा। ये सुनकर हम निकल गए चीज पिज्जा की तरफ, फोटो के साइड से पानी गिराते हुए। चाय, कॉफी, सैंडविच, पास्ता, फ्राइज, मैगी, ये सब कुछ भी नहीं खाने वाले, इसमें से पिज्जा 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 खाएंगे, पिज्जा खाएंगे। क्या डिसाइड किया सर? स्मोक बिस्किट भी है यहाँ पे। बोला ओवन है? हाँ ओवन है, देख इधर आना, जूम कर ले थोड़ा सा। और वेट करने के बाद हमारा चीजी पिज्जा आ चुका है, और इसका शक्ल बहुत गजब लग रहा था, इतना गजब कि इतना गजब, I'm really sorry, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। ओ यार चल SSD वाला व्लॉग में फूड व्लॉगिंग चल रहा। ये देखिए ये है फर्स्ट बाइट पिज्जा का, अच्छा कैमरा इधर है। वो यार चीज फुल दिख रहा है, वहां पे दिखा ना। और ये मैं खाने ही लगा कि एक बड़ा सा आंधी आ गया, पर यारो मानना पड़ेगा ये अभी तक मैंने चीजीएस्ट पिज्जा खाया है। टेस्ट वाइज चीज है, लुक वाइज चीज है। ये देख एक बार देख लो, फोकस हो जाएगा। हाँ ये देखो इसका क्रश देख लो, हम यहाँ पिज्जा खा के एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए गया मेरा कैमरा गिर गया, लेकिन ये भाई साहब का खाना बंद नहीं हुआ। इससे बड़ा डेयरिंग बात आप लोगों को शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। अगर मैं जेन्युइनली बताऊं, अगर आपको चीज़ पसंद है तो ये आपके लिए जन्नत है। मतलब अपने को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर इटालियन और मैक्सिकन चीज़ों में, तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम के लिए काउंट कर सकता हूँ। सुलभ शौचालय साक्षी का सुलभ शौचालय, जुबली पार्क गोल चक्कर या टेगोर स्कूल, जो भी ये जो आप गोल चक्कर देख रहे हो यहाँ से सीधा आओगे और ये आपको पिज़्ज़ा कैंपस देखने को मिलेगा। ये अभी आपसे मिलेंगे और अपना हिसाब से पिज़्ज़ा खा लेना। शायद ऐसा प्लान बन रहा है कि यहाँ पर एक प्रॉपर व्लॉग करने का जो डेडिकेट पिज़्ज़ा कैंपस के ऊपर होगा, अगर वो बनता है तो फिर तो बेस्ट है, वो तो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। मुझे इन दोनों का नहीं पता, बट मुझे जेन्युइनली वो पिज़्ज़ा बहुत बहुत गजब लगा। मैं डोमिनोज के साथ कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है, बट यह डबल चीज़ मार्गरेटा का जो थोड़ा बहुत टच होता है वो इस चीज़, मतलब इसका जो बेस है वो था। और भाई चीज तो भाई भर भर के डाला हुआ था, इतना ज्यादा चीज था, तो देखिए चीज पुल्स क्या गजब हो रहा था। ऐसा चीज पुल्स लाइक एक ब्लॉगर के लाइफ में, एक ब्लॉगर के लाइफ में इतना गजब चीज पुल होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग का फोटो खींचते खींचते खाना हो जाता है ठंडा और चीज पुल हमेशा फेल होता है। फिर से पहुंच गए नारायणी इंटरनेशनल अपना लैपटॉप लेने, और पूरा काम कंप्लीट हो चुका था। अपनी मेहनत के पैसे से लिया हुआ कुछ भी चीज, चाहे वो एक रुपए की चॉकलेट हो या कोई गैजेट, भाई साहब उसकी खुशी की अहमियत कुछ और ही होती है। बचपन में मम्मी पापा के पैसे से हम अपनी चीजें लेते थे, बट आज जब खुद कमा रहे हैं तो वैल्यू और खुशी दोनों बढ़ चुकी है। जो पहले वाला SSD बजा था इसको अपन घर ले जाते हैं और देखते हैं, कोई अगर यूसेज होता है तो ठीक है, अदरवाइज देखा जाएगा, उसको भी रख ले साथ। अब मैं जा रहा था इन सारे चीज़ों का पेमेंट करने, उसके बाद सीधा यहाँ से निकलना है क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। बट उससे पहले कुछ बातचीत विद मिस्टर ओनर जी। नहीं मतलब अपने को ये नारायणी इंटरनेशनल, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है कि इस ओनर सामने बैठे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट जो इससे पहले का जो एक्सपीरियंस था आफ्टर सर्विस, वो अपने को बहुत अच्छा लगा, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा आफ्टर सर्विस। थैंक यू,
एंड जो भी कंपोनेंट्स थे सीपीयू के वो भी प्रॉपर काम कर रहा है, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है कि अब सेकंड अब थर्ड अब जितनी बार भी लेना है अब सब कुछ यहाँ से लेना है। थैंक यू वेरी मच। का डिस्काउंट वैसे नहीं कि आप लोगों को ही मिलेगा, बट ठीक है मेरा नाम लेके आ जाना तो मिल सकता है शायद। सो गारंटी नहीं है, गारंटी है यार। सौरभ दास कूपन कोड मार देना भाई। एक बात तो माननी ही पड़े कि नारायणी इंटरनेशनल के ओनर ने आज अपना दिल जीत लिया। वो मैं आप लोगों को HP कीबोर्ड माउस के बारे जो बता रहा था उन्होंने खुद ही रिप्लेस कर दिया और उसके बदले एक अपग्रेडेड प्रोडक्ट दे दिया। बहुत बहुत बड़ा थैंक यू नारायणी इंटरनेशनल के ओनर को। लगार में जाएगा क्या? कौन सा ये लगार में चलाएगा ना इसको? तो दोस्त सावन के टाइम में वेज बिरयानी खा रहा और क्या करेगा दोस्त, अपना तो पेट भरा ही है, बाद में कुछ खा लेंगे। तुम लोग खा ले, सावन से मतलब नहीं, कुछ कुछ लोग गरीब भी होते हैं। अच्छा यही बात, ये बैकग्राउंड से लग रहा। तो ठीक है गाइस, वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं क्योंकि कैमरा कार में छोड़ दिया और मन नहीं कर रहा कैमरा से व्लॉग करने का, ऐसे ही ठीक है। तो ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ये गरीब के साथ ही एंड करा जाए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना यार। ऐसे वेज बिरयानी मत खाओ, भले का सावन में नहीं खाते हो तो रुक जाओ, बट वेज मत खाओ यार। वेज बिरयानी बिरयानी नहीं होता, वो पुलाव होता है। पुलाव, हाँ पुलाव होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना और अपने मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बोलेगा।